जैसा कि श्री राधे सेवा संस्थान के युवकों ने 2 तारीख की रात गोला घाट नंबर 14 में जाकर देखा कि गोला घाट के समीप कुछ वृद्ध महिलाएं एवं पुरुष हैं जिन्हें घर में कोई कमाने वाला नहीं है तथा उनके घर को आमदनी का स्रोत भी नहीं है। इन युवकों ने सोचा कि क्यों न इनकी कुछ मदद कर दी जाए। उन्होंने कुछ जरूरतमंद वस्तु दी जाए ताकि उनकी कुछ सहायता हो सके। संस्था के सदस्यों ने इस बीच बात की। संस्था अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि उनकी कुछ मदद कर दी जानी चाहिए। ऐसा ही राजेश सिंह, कृष्ण राय, अमित कुमार व शुभम तिवारी ने अपने घर से मिलने वाले पॉकेट मनी को इकट्ठा कर उनके कंबल खरीदा और 4 तारीख की रात 14 नंबर वार्ड में कंबल बांटे। स्थानीय संस्थापक राजेश सिंह का कहना है कि हम ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे और सहयोग मिलेगा तो और हम आगे बढ़ेंगे। अपनी व्यवस्था अनुसूचित गरीब लोगों में यह काम आएगी और पॉकेट मनी बचाकर हम लोग यह कंबल का वितरण कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कलम तथा पुस्तक भी बांटने का काम करेंगे। आप भी देखिए हमारे CNV के माध्यम से ये छात्र नौजवान कैसे लोगों को और गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। विकलांग है, लाइट बहुत तेज है, चेहरा दिखाई दे। सरस्वती भी आकर राजेश जी का भी आया उसमें। तो कंबल दे रहे हैं जी। आप लोग बहुत जगह कंबल बांट भी चुके हैं जी। कल भी आपने बांटा, आज 14 नंबर वार्ड में बांटने के लिए आए हैं जी। कितने लोगों को भी कंबल बांटे हैं आप लोग? लगभग हम लोग 70, पिछली बार हम लोग 70 लगभग 70 कंबल बांटे हैं। यहाँ लगभग 12-15 कंबल बांटे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि ये कार्य पूरी सर्दी चलती रहे ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकें। आप लोग का अभी प्रोसेस क्या है आगे का? जी, हम लोग मतलब कि पढ़ने लिखने वाले युवा हैं और लोगों में यह संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी ऐसे कार्यों को करें तथा अगर उनसे ना हो पाए तो हमसे जुड़े ताकि हम और से अधिक और अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकें। क्या आप बक्सर के रहने वाले हैं ना? जी, हम बक्सर के रहने वाले हैं। फिलहाल हम बक्सर के रहने वाले हैं। हमारा गांव इस्माइलपुर, राजपुर प्रखंड में इस्माइलपुर पड़ता है और हम लोग फिलहाल हमारा घर मतलब कि बक्सर में ही बना हुआ है तो हम लोग यहीं रह रहे हैं। आप लोग संस्था में कितने लोग हैं अभी? हमारे संस्था में 12-15 लोग हैं फिलहाल मौजूद, और भी लोग जुड़ रहे हैं और मतलब कि लगभग 20 के लगभग हो चुके हैं। तो संस्था में सिर्फ छात्र ही हैं कि और भी कोई संगठन से लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, केवल इसमें केवल छात्र लोग हैं। हम लोग फिलहाल अभी तो 12 से जो 15 लोग हैं वो 12वीं कक्षा के छात्र हैं और ये कार्य आगे भी हम छात्र होकर एक बड़ी पहल आप लोग कर रहे हैं जी। कहाँ से ये लोग पैसा आप लोग जुटाते हैं कि ये कार्य करना शुरू किए? जी, हम कुछ नशा वगैरह नहीं करते हैं। हमें घर वालों ने कुछ जैसे कि 1000-2000 पर महीने पॉकेट मनी कुछ मतलब अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने के लिए देते हैं। उसी पैसे को हम लोग ये सोचे कि कहीं अपनी ज़रूरतों को ना पूरा करते हुए दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करें और आगे बढ़ते रहें। क्या ये पूरी ठंडी आप लोग कंबल वितरण करेंगे? ये कार्य पूरी ठंडी करते रहेंगे और सोच रहे हैं आगे कि हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र जैसे हो, छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकें, कुछ किताबें, कॉपियां भी उनको मतलब प्रदान करें। यानी कि आप लोगों के लिए आगे भी काम करेंगे? जी, हम लोग हमेशा आगे काम करते रहेंगे और हमारा मतलब कि ये पहल आगे तक रहेगा और हम लोग लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप लोग किस संस्था से काम करते हैं? जी, हम लोग श्री राधे सेवा संस्थान की तरफ से हैं। हम लोगों ने ही मिलकर सोचे कि किसी और के थ्रू ना करके अपना नाम ना बढ़ाते हुए श्री राधे सेवा संस्थान का स्थापना किया और उसके थ्रू हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जी, परिचय आपका? जी, मेरा नाम राजेश सिंह और मैं सुमेश्वर स्थान बक्सर का निवासी हूँ।